पीएफआई से जुड़े खुलासे होते जा रहे हैं, वैसे वैसे इस संगठन को बैन करने की मांग काफी तेज होती जा रही है। धमकियां समाज कट्टरों की मिलती रहती है, ये पहली बार धमकी नहीं है शुरू से, लेकिन मेरा इसमें इतना ही मकसद है कि जो ये धमकियों का दौर बड़े लेवल पर राजस्थान में चल रहा है वो रुके, और ये पीएफआई जैसा संगठन है जो देश में माहौल बिगाड़ रहा है वो प्रतिबंधित हो। और मैं कोई मेरे सुरक्षा की दृष्टि से मैंने पत्र नहीं लिखा है, मैंने तो बल्कि पहले सुरक्षा से पहले पत्र की जांच की जाए, गहराई में जाया जाए, अगर लगता है तो कुछ करना चाहिए, नहीं तो मेरे पास पीएसओ है सरकार द्वारा दिया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। जितनी भी घटनाएं चाहे कानपुर में बवाल किया गया हो, प्रयागराज में हो, चाहे सीए पर दंगा हो, दिल्ली के वो हो संगे संप्रदाय, ये सब ये पीएफआई का रोल रहा है। पीएफआई 2006 में बनी थी केरल में, जिसमें कर्नाटका डिग्निटी फोरम, नेशनल डेवलपमेंट फंड, तमिलनाडु का आतंकवादी संगठन, इन लोगों ने मिलकर बनाया था, और केवल इनका एजेंडा है भारत को इस्लामिक देश में परिवर्तित करना, और ये सिमी जो 25 अप्रैल 77 को बना था उसका बड़ा रूप है।